विनोद कुमार, दर्शकों हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनावों में अच्छी नहीं रही है। पिछले के मुकाबले में थोड़ी सीटें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन कांग्रेस के लोगों को थी, जितनी एक्सपेक्टेशन कैडर को थी, उसके मुताबिक कांग्रेस का नेतृत्व जो है खरा नहीं उतर पाया। और इस वक्त हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, एक कद्दावर नेता है और कश्मीर की सियासत पर इनकी खास पकड़ है। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपके तेवर से ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के नेतृत्व से खुश नहीं है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ हो सका राहुल गांधी ने किया जी। बड़ी मेहनत की, खूब मेहनत की, लेकिन उनके मुकाबले में नरेटिव जो था, जो प्रोपेगेंडा था जी, उससे एक किस्म का समाज में बहकाव आ गया था जी। तो इसलिए वो दिक्कत हो गई थी समाज में जी। तो जो माहौल होता है कि जब आप ऐसा बनाएंगे कि उनको अंग्रेज में कहते हैं गैलिबल पीपल, जो एतबार करते हैं जो कहा जा रहा है वो सच है जी। वो सारा सच नहीं होता है, लेकिन उसमें लोग भाग गए और उस बहकाव में कांग्रेस का नुकसान हो गया जी। मेरा ख्याल है वो देश का नुकसान है, क्योंकि इस मुल्क को कांग्रेस ही मुतहिद रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस तकसीम नहीं करेगी समाज को, इसका मुझे विश्वास है। तो कितनी दिक्कतें हो गई, लेकिन फिर भी ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी बड़ी गनीमत है हिंदुस्तान के लिए जी। और जो समाज गरीब समाज है और जिसको हिजब इख्तलाफ की नुमाइंदगी करता है, SP BSP कम्युनिस्ट वगैरह, तो कांग्रेस ही इसकी क़यादत में रहेगी हमेशा। और अभी जो है ये जो कुछ सीटें हमको ज़्यादा मिली पिछले से, फिर भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है हिजब इख्तलाफ की जी। तो ये एक देश में एक बहकाव की बात है और ये टेम्परेरी हकीकत है, मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर उठेगी। वैसे आपने कहा कि ये देश को, राष्ट्र को नुकसान है, क्या 303 सीटें बीजेपी ने ली है, क्या पब्लिक ने उनको वोट दिया, कुछ समझ के तो दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जर्मनी में 2-3 बरस सब कुछ बिगड़ गया और जर्मनी को बाद में समझ आएगा ये रास्ता नहीं है जी। ऐसा ही हिंदुस्तान में भी होगा जी। सच्चे मन से, सच्ची वाकफियत से देश की एकता और अखंडता को सही रास्ता मिल सकता है जी। तो जो अब शासन में है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात है कि कोई भी मुद्दा ले लीजिए, समाज बांटने की कोशिश की गई है, समाज तकसीम हो गया है जी। और ये क्या वजह है कि हिंदू संगठन कायम करने में इतना जोर है जी। अब ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, जो माइनॉरिटी में सबसे बड़ी, 20 करोड़ के लोग माइनॉरिटी नहीं होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी है, लेकिन इसके साथ दलित समाज है, गरीब समाज है, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो और दलित समाज बहुत बड़ा समाज है, अभी यूपी में जो यादव हैं, दूसरे लोग हैं। तो हिंदुस्तान की एकता जो है वो अनेकता से आती है, वो कभी हिंदू संगठन से नहीं आ जाएगी। मैंने देखा है हिंदुस्तान के देहात में जो गांव वाले हैं वो मज़हब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं रखते, जो रोटी है सबको खिलाते हैं। ये भी यही कश्मीर में भी जाइए गांवों में, तो इसलिए एक बात है कि इसकी रखवाली की थी, ऐसे विचारों की रखवाली कांग्रेस ने की थी, क्योंकि महात्मा गांधी थे इसके सबसे बड़े लीडर, फिर जवाहरलाल नेहरू। आज की पॉपुलरिटी भी मैं देखता हूँ, जवाहरलाल नेहरू तो अपनी पॉपुलरिटी से डर गया, क्योंकि वो सही मायने में डेमोक्रेट था जी। लेकिन सो साहब, आपको क्या लगता है कि 2014 में क्यों ऐसा बदलाव आ गया कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस को आउटराइट रिजेक्ट करना शुरू कर दिया? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपीज करती रही, अपीजमेंट की पॉलिसी? कांग्रेस में गलतियाँ रही है, उसमें क्या शक है। तो कांग्रेस में कमजोरी आ गई, कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं आगे सामने जो चापलूस किस्म के हैं, कांग्रेस में
ये रिवाज थोड़ा कम हो गया कि मुंह पर कहा जाए जी। मैं उनमें शामिल रहना चाहता हूं जो लगी लिपटी के बगैर मुंह पर कहें जी। और इसकी मुझे बीच बीच में सजा भी मिलती रही है, भुगतना पड़ा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी से भी ओवर पोटेंशियल वाले लोग हैं? आपकी इतनी मजबूरी क्या है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, मजाक भी उड़ता है, फिर भी कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता उसको इंडोर्स करते हैं कि राहुल बाबा ने ठीक कहा? देखो, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, न प्रियंका की। बात यह है कि जो चापलूस लोग हैं, चापलूसी के बजाय वो देखिए कांग्रेस को किस समुद्र में जाना चाहिए। राहुल गांधी तो तैयार है उतरने के लिए जी। कोई सामने तो आए, सिर्फ राहुल को क्रिटिसाइज करेंगे, सामने नहीं आएंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम चलाएंगे वर्किंग कमेटी में साफ बात नहीं करेंगे। चापलूसी से कांग्रेस नहीं उठेगी, कांग्रेस विचार का जो बहाव है उसे उठेगी। सो सर, आपको लगता है कि वो चापलूस लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बड़ा कद का नेता ना बन पाए कांग्रेस में? कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, मैं जानता हूँ, वो उनकी गैरहाजिरी में पीठ के पीछे क्रिटिसिज्म भी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को गलत मानता हूँ, उनका ईमान ही नहीं है। मगर ये मौका अभी राहुल जी ने कहा, मैं नहीं हूँ, मुझे लगता है सच्चे मन से कहा। सीटें कम आ गई, उसका अंदाज़ा था बहुत आएंगी जी। और कर्नाटक के बाद, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद मुझे विश्वास हो गया था कांग्रेस उठेगी, लेकिन एक प्रोपेगेंडा का बहाव आ गया और उस प्रोपेगेंडे के बहाव में अंग्रेजी में गलेबल का मुझे तर्जमा नहीं आता, जो विश्वास करने वाले सीधे साधे लोगों ने विश्वास किया, काया पलट जाएगी। ऐसा नहीं है, बात यह है, इसीलिए कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। और सामने तो राहुल गांधी है, उसी के सर थोपी जाएगी नाकामी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। अब सारी पार्टी के जो लीड बड़े बड़े लीडरों ने मिन्नत समाजित की, आप ही आ जाइए। अब आपने लाया है, फिर से लाया है, वो खड़े हो गए हैं, तो सच्चे मन से उनको मशवरा दे दीजिए। जो क्रिटिसाइज करना है कांग्रेस का, सच्चे मन से कीजिए, तब कांग्रेस उठेगी। अब आप कहेंगे सब ठीक है, पीठ के पीछे कहेंगे, तो वो तो निरी बेईमानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपको लगता है कि वो चापलूस लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, और बायनॉट से इलेक्शन उनको लड़ना पड़ा? क्या उनको पहले इस चीज़ का एहसास था कहीं ना कहीं वो चापलूस लोग हमें गलत दिशा दे रहे हैं? नहीं, राहुल जी भी पहचानते होंगे, सोनिया जी भी पहचानते होंगे। मुझे आपको ये बताना है, दो टोक बात करनी चाहिए, तब पार्टी को फ़ायदा आता है। राहुल जी ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, जब आप कहेंगे नमस्कार सब ठीक है, ये है वो है, तो फिर रास्ता नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा था कि मैं अलग हो जाता हूँ और मैं काम करूँगा कार्यकर्ता के हैसियत में, लेकिन लोग चुप बैठे और उन्होंने सबने कहा कि आप ही हो जाइए। अब राहुल गांधी है, उसने काफ़ी मेहनत की पहले भी, अभी करेंगे, उनके गिर्द जमा हो जाइए, उनको कहिए कि क्या करना चाहिए, क्या गलत है पार्टी में, क्या सही है। अब आप कहेंगे लेपा पोती से सब ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। वो जायज़ क्रिटिसिज्म किया जाए, तब कांग्रेस उठेगी। सर, आप विश्वास रखते हैं कि दो टूक बात की जाए और पॉजिटिव वे में बात की जाए, आपने कहा भी, लेकिन आपने जब जब कहा क्या क्या नुकसान आप खुल के बोलना चाहते हैं, कल आपने कैसी बात की और आपको डैमेज किया पार्टी ने? सुनिए, मुझको नहीं डैमेज हो गया, मैं किनारे पर मतलब हूँ, मुझे मैं काम करता हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, और कांग्रेस के सिपाही हूँ मैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान की सेहत की दलील है, तो हिंदुस्तानी समाज से ही मंजिल की तरफ जाएगा जी। कांग्रेस के प्रोग्राम से, आज भी प्रोग्राम में कोई घाटा नहीं है। आज उन लोगों की कमी है जो या तो हाथ जोड़ेंगे राहुल जी के पास, सोनिया जी के पास जी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, साफ दिल की बात कहेंगे जी। ज़रूर बदलाव आ सकता है, ज़रूर पार्टी उठेगी जी। आज मैं अगली सफू में चापलूस देखता हूँ, दूर से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ मांगना नहीं है, तो लेकिन
कांग्रेस के पास इतिहास है, कांग्रेस के पास हिंदुस्तान को दरक्षाम बनाने के लिए, ताबनाक बनाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सही समझ देने के लिए कांग्रेस के पास प्रोग्राम है जी। तो सबको वो प्रोग्राम मानना चाहिए। जम्मू के लोग नाराज़ नहीं हैं क्योंकि उनकी बात मैं करता हूँ। रेफ्यूजी के बारे में मैं बड़ा कंसर्न, अपने जब मैं प्रेसिडेंट था बहुत काम किया उनको राहत पहुँचाने में, उनका मसला समझाने में। लेकिन मैं कश्मीर की तरफ इस तरह इसलिए माइल हूँ कि मरकजी सरकार की पॉलिसी बहुत ही गलत रही है जी। शुरू में गलतियाँ की गई हैं लेकिन अब के जो 14 से हुआ ये तो पहले तो सर आप पीएम से मिले थे और पीएम से मिलने के बाद आपने क्या बातें की थी उनसे कि अब आप पीएम से मैं नहीं मिला जी। वो मुझसे मिले क्यों कि तीसरे चौथे टेलीफोन पर मैंने दीपेंद्र शर्मा जी को बताया अच्छा मैं आऊँगा जी। मैं तो इधर पीएमओ से घंटी बजी, मेरी किताब बिल्कुल ओपन है, घंटी बजी, मुझे बेगम साहब ने कहा आपको पीएमओ से टेलीफोन है। मैंने कहा ये मैं नहीं हूँगा, गलती उनको गलती होगी। जब मैंने कहा, जब तीसरे टेलीफोन पर मैंने कहा कि मैं सैफुद्दीन सोज हूँ, आपको गलती हो गई है, मुझे पीएमओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नृपिंदर शर्मा हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं आपको जानता हूँ, मैं JS था तब मैं आपको जानता था, अब मैं पीएमओ में हूँ, मोदी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप दिल्ली तशरीफ लाइए। मैं गया क्योंकि मैं मोदी जी को खूब जानता था, क्योंकि नर्मदा पर लड़ाई हो गई थी, उस वक्त इख्तलाफ था, वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के और मैं मिनिस्टर था वाटर रिसोर्सेज का, तो मैंने अपना मेरा स्टैंड उसके लिए लड़ाई की, तो उन्होंने नर्मदा को हाइट दे दी। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेरे साथ काम करता था वो भाग गया, तो उसने गलत किया ऑर्डर। फिर मैंने बताया कि मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो भारत सरकार में है उसको बिल्कुल पूरा इख्तियार होता है, फाइल तभी जाएगी प्राइम मिनिस्टर को जब प्राइम मिनिस्टर मांगेगा या मिनिस्टर को ख्याल होगा ये प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, वरना कैबिनेट मिनिस्टर का इख्तियार बहुत ज़बरदस्त है, बिजनेस रूल्स हैं ना उसके। तो बहरहाल मैं आपको कटिंग इट शॉर्ट, उन्होंने बुलाया, मैं गया और मैंने उनको लिख के 10-11 पॉइंट दिए। और आज के दिन मेरा मैं दुखी हूँ कि मैंने खुले दिल से उनको बताया कि आप वजीर आजम हैं, आप RSS को अपनी जंजीर न बनाइए, कल तक आप प्रचारक थे चीफ जी, और आप में फन है प्रचार करने का जी। तो मगर वो कल तक प्रचारक थे, आज जवाहरलाल नेहरू की कुर्सी है, ये वजीर आजम है हिंदुस्तान के, यू बिलोंग टू एवरी पीपल इन इंडिया, और खुले मन से कश्मीर को ठीक कीजिए। और वहाँ फिर मैंने बताया कि सोसा आपने खुद कितना जुल्म है कश्मीर में। बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीर को लेकर के कांग्रेस भी सिंसियर नहीं रही। आपने खुद भी माना कि बहुत सारी रिपोर्ट्स है, सी रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट्स है, अटोनमी आपके पास है, सेल्फ रूल आपके पास है, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स, आपने अपने टेन्योर में कभी भी गंभीरता से इन डॉक्यूमेंट्स पर कोई काम नहीं किया, आपको ये मानना पड़ेगा। नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ, 10 गलतियाँ हुई हैं। अब जितना आप तारीख में जाएंगे, हमारे सबसे बड़े कदावर लीडर को इसी डिसमिस किया गया और जेल भेजा गया, जिसकी वजह से नाता जोड़ा था। तो ये जुल्म की बातें तो हुई है, 53 यहाँ हुआ है, कश्मीर के लोग नहीं भूल सकते इसलिए, और गोली यहाँ चलती रही है, यहाँ का खून सस्ता है। और मैंने उनको बताया कि कश्मीरी मुसलमानों को विलिफिकेशन किया जाता है, आपका नेशनल प्रेस जो है वो तिरछी आंख से कश्मीर को देखता है, आप यहाँ के अखबारों को उनका सारा जमगठा लाइए, जर्नलिस्ट को बुलाइए, सच्चाई की तलाश में निकलिए, गांधी जी का रास्ता अपनाइए। तो कश्मीर में जुल्म जबर बंद हो जाए, डायलॉग कीजिए। उनने मुझसे पूछा डायलॉग किससे करें, मैंने कहा हुर्रियत से, ये जो GRL है, मैं जो आपको बताता हूँ इस वक्त ये मैं सोते हुए भी बता सकता हूँ, जागते हुए भी। वजह क्या है, ये मेरा विश्वास है, यहाँ का मेन स्ट्रीम कमज़ोर हो गया है। आपका क्या ख्याल है, मेरे साथ बात करने से होगा या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती से जी। इन लोगों ने जिसको गिलानी है या मीरवाइस है या मोहम्मद यासीन है, जिसको GRL कहते हैं, हुर्रियत का जो तर्जुमान ग्रुप है तीन का जी,
इन लोगों ने कश्मीरियों के साथ रोया है इन बरसों में जी, उनकी दर्द की दवा ढूंढी है, चिल्लाया है, खुद रोया है, आंसू बहाए। इनको मौका देना चाहिए डायलॉग खोलने के। डायलॉग उससे नहीं खोलते हैं जो आपके सहमत हैं जी। मैं तो मेन स्ट्रीम कहलाता हूँ, फारूक साहब भी मेन स्ट्रीम कहलाते हैं, उमर साहब भी, महबूबा भी और दूसरे लोग भी। मेन स्ट्रीम के साथ बातचीत का दरवाज़ा खोल कर आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। डायलॉग उनके साथ किया जाता है जो आपसे नाराज हैं। लेकिन सोसेफ, ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज ने अपनी स्पेस कैसे खोई, क्योंकि ये झूठ बोलते रहे, यूथ के साथ झूठ बोलते रहे हैं। अब इलेक्शन लेने, वोट लेने हो तो ये कहते हैं कि जो पत्थर उठा के पत्थर मार रहे हैं वो एक काज के लिए मार रहे हैं। आप असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, फिर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर कैसे विश्वास करेंगे लोग? विनोद जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेरी नज़र में ये जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स, उसको बट्टा लग गया है कश्मीर में, इसीलिए तो कम वोट मिलते हैं। अक्सरियत कश्मीर की नाराज़ है, तो रास्ता खोलिए ना, इलेक्शन बाद में आ जाएगा। पहली प्रोसेस है डायलॉग की, आप बात ही नहीं करते हैं। और दूसरी बात बताऊंगा, कांग्रेस को ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा कि मोदी जी से पहले सोनिया जी यहाँ आती थी, साल में 10 बार आई होगी, वो भी आए, मनमोहन सिंह भी आया, राहुल गांधी भी आया, अहमद पटेल आया, गुलानी भी आज़ाद आया, आते रहे ये। मोदी जी के ज़माने में यहाँ कोई डायलॉग नहीं है। अरे हिंदू से ही डायलॉग करो, बौद्ध से डायलॉग करो, जम्मू लोगों से। इंटरलोकेटर दिनेश्वर कुमार शर्मा यहाँ पे डिप्यूट किए गए, बाकायदा में सबसे मुलाकात भी की। मेरे पास तो 5 बार आए, वो शरीफ आदमी है, तो वो बेचारा क्या करता, उसको राजनाथ जी ने भेज दिया था थोड़ी सी बातचीत करने के लिए, उसको मोदी जी का मैंडेट नहीं था। ये आप बातें उनसे करते हैं जिनको दिल्ली में, जो मतलब अगर मैं 30 बरस रहा हूँ सियासत में दिल्ली में, तो उसका मतलब है ओढ़ना बिछोना करके आप सुबह शाम मानिए 60 बरस रहा हूँ जी, जी। मुझे दिल्ली का तजुर्बा नहीं है सियासत का जी। दिनेश्वर को मैंने बताया, आप जितनी बार मर्जी आ जाओ, खाना खाओ, चाय पियो, मगर आपको मैंडेट नहीं है बात करने का, आप क्या बात करेंगे? उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं, IB के डायरेक्टर रहे, मुझसे क्या करती, लेकिन उनको मन को ये बात लगती थी कि मैं सही बोलता हूँ। मैंने कहा जिसके साथ बात करोगे बात करेगा, मगर दिल्ली नहीं चाहती है कि आप बात का दरवाज़ा खोलें। 2014 में जो यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड था कश्मीर में टॉक्स को लेकर के, एक तरफ दिनेश्वर कुमार शर्मा, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट, ये सारे फ्रंट खोल दिए थे, क्या दिल्ली को अपनाना चाहिए, कौन सा आपको लगता है कि? मोदी जी ने, मैंने शुरू से आखिर तक उनने कहा 100 times एग्रीमेंट, लेकिन एक बात भी नहीं की। उन्होंने आगरा में कहा कि हम गले लगाएंगे कश्मीरी को, भाई कश्मीरियों के बच्चों को तो आप मारते हैं, बच्चों को रोज़ ही मारते हैं। और अभी किसी जनरल साहब ने कहा हमने कायदे और कानून की पासदारी की है, भाई अफसपा में कहाँ पासदारी है, वो तो दुनिया का काला तरीन बदतरीन कानून है, जिसमें चौथी जो मद है विनोद जी, उसमें सिपाही किसी अफसर के बगैर, किसी मजस के बगैर गोली चला सकता है, आग लगा सकता है, कत्लोगारत कर सकता है, मार सकता है, कोई हिसाब नहीं देना, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए लोकसभा में मैंने स्पीकर के वेल में वहाँ फेंका था इस कानून को, जब 90 में इसको किया गया था। आज भी UNIPT की कटिंग्स मेरे पास है। तो कश्मीरियों को मारपीट हो रही है, यहाँ मारना आसान है, और दिल्ली में इस मंजर को देख के शासन जो है वो खुश हो रहा है, वो एक बात नहीं करता है आज का शासन कि बातचीत का दरवाज़ा खोलेंगे। मोदी जी ने जो आगरा में कहा कि गले लगाएंगे, क्या गले लगाया बताइए? लेकिन सो सर, जो लोग पुलवामा जैसी हरकतों को वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको भी आप सन ऑफ द सॉइल कहेंगे? नहीं सुनिए, नहीं, सन ऑफ द सॉइल तो है, यहीं का रहने वाला था बच्चा, लेकिन टेररिज्म में देखे सुसाइड बॉम्बर है तो क्या करेंगे आप? सुसाइड बॉम्बर्स भी यहाँ कुछ पैदा हो गए थे, तो उसने अपने आप को भी मारा, अपने साथ 40 लोगों को मारा जी। हर शख्स के खून पर आपको आंसू बहाना चाहिए, तो ये हालत तो आपके सामने है जी। तो उनको फिर जोड़ दिया गया जैश के साथ, मुझे नहीं पता है। और यहाँ कश्मीर के लोग किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं करते, यहाँ इतना खून बहा है तो लोग
पूछते रहते हैं कि वो कब होगा दिन जब हम अखबार नहीं पढ़ेंगे कि कश्मीर को कोई बच्चा नहीं मारा गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है? विनोद जी, मेन आजकल के मेन स्ट्रीम में बहुत झूठ बोला जाता है। अच्छा, हाँ, मुझे एक आदमी दिखाइए जो मेरी तरफ आपको बताएगा। क्यों? मुझको चोर नहीं है दिल में, मैं ये कह सकता हूँ हाँ मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगा, मगर हिंदुस्तान कैसे हिंदुस्तान में जो मुझे प्यार देगा, जो मेरी मुसीबत को समझेगा, दर्दमंद हिंदुस्तान होगा। ये काम तो मोदी जी के शासन में हो नहीं सकता है। ये देखना चाहे कि अमित शाह साहब कैसे गरजते रहते हैं, बट ये डी एवर कम जहाँ कत्लगारत होती है उनके घरों में जाए और डर से बंद आए। सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो इलेक्शन है रियासत जम्मू कश्मीर की उसको गंभीरता से नहीं लड़ा, ना तो कोई स्टार प्रचारक आया, और जो समझौता किया एनसी के साथ एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई, ये भी चिंता का विषय है। 2014 में भी नहीं मिली थी, 18 में भी वही चीज़ रिपीट हुई है। तो आप वो तो बाहमी है कि आपका कहना होगा कि एनसी ने उसमें एक तरफा रोल किया। तो वैसे भी कांग्रेस भी यूनाइट नहीं दिखी थी, जिस तरीके से एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ने की जरूरत थी वो गुटबाजी साफ। हाँ, गुटबाजी कांग्रेस में रही है और मैंने कोशिश की कि इसका इलाज करो, कि इलाज नहीं किया गया, नतीजा सामने है, ये तो है हकीकत जी। अब इस गुटबाजी को खत्म करने की कोई कोशिश की जा रही है कि और नहीं? मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई जी। गुट तब भी आप फरियाद कर सकते हैं हाई कमांड से, और क्या कर सकते हैं। सर, आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है तो क्या आप? नहीं जा रही है, अब तो आप किसी दूसरी, अब मुझे जब बुलावा आता है कभी सोनिया जी का, राहुल जी का, मैं जाऊंगा जी, आई एम इन द कांग्रेस, मगर मैं एक तरह से किनारे पर हूँ। मैंने दूसरा कारखाना खोला किताब पढ़ने का, किताब लिखने का। आजकल मैं सरदार पटेल और कश्मीर पर लिख रहा हूँ जी, सरदार पटेल और कश्मीर जी। क्या आपको लगता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो जाया जा रहा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के अपनी सेवाएं दी जाएं? ये मैं शिकायत के तौर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं हाजिर हूँ, डंके की चोट बात करने के लिए हाजिर हूँ। बात नहीं, क्या कोई दूसरी तंजीम? क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, जो पोटेंशियल है, वो जाया जा रहा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को आप देना चाहेंगे अगर आपको वो ऑफर करें? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही सेक्युलर पार्टी है जी, मुझे अब भी विश्वास है कि कांग्रेस सही समत में, सही दिशा में मुल्क को चला सकती है, इसलिए मैं कांग्रेस में। लेकिन कभी आज कश्मीर की आवाम अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्लोगन को दिल से याद करती है कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। कभी आपको मलाल हुआ कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी? नहीं, अटल जी को मैंने उसके बाद मुलाकात की, वो बड़े प्यारे आदमी। मैंने कहा मैंने आपकी ज़ात के खिलाफ नहीं दिया, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ जोड़ रहा है, अटल जी समझते थे। मैंने कहा मुझे मालूम है, और मैंने तो तकरीर में भी उनको कहा, इट वॉज़ नॉट अटल जी जो थे, देखिए वो भी आरएसएस की कोख से पैदा हो गए, लेकिन उनमें हिम्मत ये थी, वो अगली मंजिल को पहचानते थे और मुल्क को तहमुल से उस तरफ खींचते थे। आपने देखा करगिल वार हुआ, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन हो गया, दिस इज़ ए ट्रिब्यूट टू वाजपेयी फॉरसाइटेडनेस। वाजपेयी दूरबीन थे, दूर से दूर अंदेश थे, इधर करगिल है और इधर वो लाहौर में क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन करते हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग की, खुशगवार माहौल, क्योंकि उनको विश्वास था कि पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आज नहीं तो कल पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। तो अब मोदी जी ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, इमरान खान ने आते ही, और आजकल यूरोप और अमेरिका में ये बात समझ में आने लगी है कि इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ द पीस, फॉर द पीस, मुझे भी लगता है दूर से, और मोदी जी को बात करनी चाहिए। उनने दरवाज़ा बंद किया, बल्कि ऐलान किया, ये कहाँ होगा ज़माने में कि पहले लास्ट टेररिस्ट एक्ट बंद करो, ऐसा नहीं होता है। टेररिज्म अगर है,
मिलिटेंसी अगर है उसके बावजूद बातचीत हो, बड़ा मैंडेट मिला, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच दोस्ताना रिश्ते बन सकते हैं। एक बड़ा मैंडेट जो है एनडीए को मिला है। मोदी जी को आज के दिन भी पहचानना चाहिए कि वो किस गद्दी पर बैठे। वो हिंदुस्तान के वजीर आजम दूसरी बार हुए हैं और उनको इतना बहुमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद बात नहीं कर सकते हैं कश्मीर के साथ, राजनाथ सिंह जी आ जाए, ये नहीं चलेगा अफसरों को भेजेंगे, यहाँ कोई बात नहीं करेगा उनके साथ। हमने इसलिए की कि हमारा वह दरवाज़ा खुला होना चाहिए, मेन स्ट्रीम का नाम दिया जाता है, बिठाया, मगर मैंने उसको नहीं कहा कि मेरे साथ बात करने से आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा लोग नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी के तर्जमान हुर्रियत के लोग हैं और सदन अफ्रीके, उनके साथ मेरा कोई रबता नहीं है। मैं आपको जो बात बताऊँ डंके की चोट, आई हैव नो कनेक्शन विद गिलानी साहब या यासीन साहब, जानते हैं उनको, पिछले पड़ावों पर कई मुलाकातें हुई हैं, वो तो तब की बात है, वो जब से वो हुर्रियत में हैं, लीडर हैं, न मेरी इन तीनों लोगों से मेरे साथ मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई कहता हूँ उसी से फ़ायदा आएगा दिल्ली को। जी, चर्चा ये भी चल रही है कि 35A को रिपील किया जाएगा और डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रोटेट किया जाएगा। बहुत कुछ सोचते हैं जी, यहाँ मतलब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जम्मू के बीजेपी ने कि हम हिंदू चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया, सिर्फ जिनके पास हो। डीलिमिटेशन कब की मुद्दत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, वो अमित शाह और मोदी जी उनको हेल्प नहीं कर सकते जो जम्मू में बोलते हैं, इसलिए वो पल्ला झाड़ दिया मोदी जी ने और अमित शाह ने, डीलिमिटेशन नहीं होगा तो। लेकिन बाकी चीज़ें बातचीत से हो सकती हैं, जम्मू बातचीत करिए श्रीनगर से, ये तो हमारा आपसी मसला है जी। तो जम्मू में जो गुमराह हैं बीजेपी के साथ आरएस के साथ, वो यही बेहुदा बकवास करते रहते हैं कि 35A हटाएंगे, 37, दुनिया की कोई ताकत ये कश्मीरी मानते हैं। पता है लाल चौक में फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा महबूबा, सैफुद्दीन सोज, सारे हुर्रियत हम लाल चौक में होंगे, बिकॉज 370 जो है उस महदे का हिस्सा है जी, जिसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यूनियन की तरफ लाया था जी, उसको फिर जलील कर दिया, 370 को खोखला करने की कोशिश की गई जी। तो 35A जुड़ा हुआ है उसके साथ जी, जी। और उसमें हिंदू जो है जम्मू का उसको भी मिलेगा, बौद्ध जो है लद्दाख का उसको मिलेगा, ये सिर्फ कश्मीरी मुसलमान। साहब आखिरी सवाल आपसे, अब कैसे यूनाइट किया जा सकता है कांग्रेस को? बात यह भी चली थी कि जम्मू का अलग प्रेसिडेंट हो, कश्मीर का अलग हो, लद्दाख का अलग हो, क्या कोई उसके बाद स्टेट का भी तो एक होगा, कैसे किया जा सकता? अगर आपके पास क्या फार्मूला था कि आपने कहा नहीं, मैंने ये तब भी माना था कि जम्मू को वर्किंग प्रेसिडेंट हो, कश्मीर को वर्किंग प्रेसिडेंट हो, लद्दाख को वर्किंग प्रेसिडेंट हो, और फिर प्रेसिडेंट जेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, ऐसा होना चाहिए मेरा ख्याल है। लेकिन कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए, वो करते होंगे, मुझे इसमें कुछ पता नहीं ज़्यादा। श्यामलाल का बीजेपी में जाना कितना सेटबैक है पार्टी? नहीं मतलब ये तो जाते रहते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सो साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।